नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायरल गुरु में। 2.5 किलो का हाथ जैसे लोकप्रिय डायलॉग देने वाले बॉलीवुड के सनी पाजी यानी कि सनी देओल इंडस्ट्री के कुछ चुनिंदा सुलझे हुए कलाकारों में गिने जाते हैं। सनी ना तो किसी कैंप का हिस्सा रहे हैं और ना ही किसी ग्रुपिज्म के साथ जुड़े दिखाई दिए हैं। सनी देओल के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो गुस्सा कम करते हैं, लेकिन सलमान खान ने सनी देओल से जुड़ा एक वाक्या का खुलासा किया है जिसमें उन्होंने बताया कि सनी ने एक दिन गुस्से में चप्पल निकाल ली थी। बता दें कि सनी देओल अपनी किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए बिग बॉस के घर गए थे। ये शो सलमान खान होस्ट करते हैं। शो के दौरान सलमान खान ने सनी देओल से जुड़े कई किस्से दर्शकों को सुनाए थे। उन्हीं में से एक यह किस्सा था जिसमें सलमान खान ने बताया कि 7-8 लोगों ने सनी देओल को घेर लिया था। ये किस्सा साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म बेताब से पहले का है। सनी देओल किसी पेट्रोल पंप पर थे और तभी उन्हें 7-8 लड़कों ने घेर लिया था और उन्हें छेड़ने लगे थे। सनी देओल ने पहले उन्हें टोका, लेकिन वो नहीं माने और लगातार कमेंट करते रहे। इसके बाद सनी देओल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गुस्से में अपनी चप्पल निकाल ली। सनी देओल का यह रूप देख सभी लड़के वहां से भाग निकले। बता दें कि सनी देओल ने फिल्म बेताब से इंडस्ट्री में डेब्यू किया था और ये उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचा दिया। फिल्मों के साथ साथ सनी देओल अब राजनीति में भी सक्रिय हो गए हैं। सनी देओल भाजपा के टिकट पर पंजाब के गुरदासपुर से सांसद हैं। सनी देओल ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। सनी देओल ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।